खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसवा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत SHO पी यादगिरी ने इलाके के तमाम 170 राउडी शीटर ऑफेंडर्स और सस्पेक्टेड राउडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन में बुलाकर तमाम की काउंसलिंग की और तमाम को हिदायत दी कि वो किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में बिल्कुल भी मुलविस ना हो और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अच्छे शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारे। इन्होंने इस बात का भी उम्मीद जाहिर की कि जो कोई भी राउडी शीटर अपनी सरगर्मियों को बेहतर करेगा, इसकी राउडी शीट को क्लोज़ किया जाएगा। मज़ीद इन्होंने इंतबाह भी दिया कि अगर अपनी वही मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रखे जाएंगे तो ऐसे राउडी शीटर्स के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर PD एक्ट भी नाफिज किया जाएगा। और इन्होंने हर राउडी शीटर से फर्दन फर्दन इनकी राउडी शीट ओपन होने की वजूहात और इनकी सरगर्मियों के बारे में भी तमाम तर तफसीलात हासिल की। पेश इस खसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर खसवा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। कम से कम और तुम लोगों का अलग है, ये थोड़ा मैं सही तरीके से इस्तेमाल करना दिमाग मन है। हर महीने में इधर बुला के क्यों कर रहे काउंसलिंग? मेरा फंक्शन हो रहा, मेरा ये हो रहा, वो हो रहा, भी मेरे थोड़ा मालूम हो रहे, कोई बाहर से भी इधर आ रहे बोल के मालूम हो रहे, मेरे को ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा 3-4 लोगों के पास, जो गोलकोंडा वाले, लंगर हाउस वाले, आसिफ नगर वाले, बाड़ी शरीफ वाले और फलकनामा वाले आ रहे बोल के, कोई भी तुम्हारे साथ में दिखा और अपना ये पूरा हम उनके लिए बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। केस आए तो और ज़्यादा बढ़ जाते, सीट बंद होता इस रहे और एक्टिव हो जाता। पीछे जाते पीछे से ले पीछे से कितने कम से कम। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खसवा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।